दोस्तों आज हम अपने घर से बाहर निकले थे स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस जाने के लिए, और सेम इसी तरह से आपको रोड फाइट के अंदर दो बंदे एक साथ पकड़ लेते हैं और पकड़ करके आपके फेस के ऊपर पेट में इस तरह से किक और पंचों की बौछार करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर आज अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो और आसानी से यहाँ से बच के निकल सकते हो। दोस्तों अगर कहीं पर भी रोड फाइट के अंदर सेम इसी तरह से दोनों बंदे आपको पकड़ लेते हैं, जिनमें से एक बंदे ने इस तरह से आपके हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लिया है और दूसरे वाले बंदे ने आपके हाथ को सिंगल हाथ से पकड़ करके आपको यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसके लिए बचने के लिए, काउंटर करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि उसी बंदे के ऊपर आपने काउंटर करना है जो आपके ऊपर काउंटर कर सकता है। यहाँ पर जिस बंदे ने दोनों हाथों से मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है, ये बंदा मेरे ऊपर काउंटर नहीं कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अटैक आपने उस बंदे के ऊपर पहले करना है, उसके ऊपर काउंटर पहले करना है जिसका हाथ फ्री है। अब इसका हाथ फ्री है तो मेरे कहीं पर भी स्लैब या पंच इस तरह से कर सकता है। तो यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर काउंटर करोगे तो काउंटर करने के लिए यहाँ पर काउंटर से पहले इसके हाथ को इस तरह से ग्रिप कर ले ताकि ये आपके काउंटर से बच ना पाए, पीछे की तरफ ना जा पाए। अब यहाँ पर जैसे वो आपके फेस के ऊपर इस तरह से या पेट में स्लैब या पंच करता है तो इसके लिए आप अपनी किक का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो और यहाँ पर अपने हाथ को इस तरह से आसानी से रिलीज करवा सकते हो। क्या जैसे ही यहाँ पर आप अपने यहाँ पर हाथ को रिलीज करवाते हो, इसी के साथ जो किक आपने इसके ऊपर इस्तेमाल किया उसी किक से दूसरे के भी इस तरह से मेन पॉइंट के ऊपर आप अपनी किक का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर अपनी किक का इस्तेमाल करते हो, अगर वो सेम इसी तरह से पीछे की तरफ इस तरह से जाएगा तो यहाँ पर आपने सेकंड जो काउंटर करना है अपनी एल्बो से उसके फेस के ऊपर इस तरह से काउंटर कर सकते हो। काउंटर के साथ ही जैसे आपने यहाँ पर अपनी एल्बो से उसके फेस के ऊपर इस तरह से आप अटैक करते हो, इसी अटैक के साथ जैसे अटैक किया, हो सकता है कि जब तक दूसरा बंदा आपके ऊपर आए तो अगेन आप इस तरह से किक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ अब उसके हाथ को इस तरह से पीछे की तरफ जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर उसकी एल्बो को ब्रेक कर सकते हो, इसी के साथ उसको नीचे इस तरह से गिरा सकते हो और यहाँ पर उसकी एल्बो को आप ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। और हो सकता है कि जब तक दूसरा बंदा भी आए तो उसके लिए आप इस तरह से काउंटर करने के लिए बिल्कुल फ्री हो, तो इस तरह से आप काउंटर कर सकते हो और दूसरे बंदे को भी आप यहाँ पर इस तरह से अटैक करके उसके ऊपर अपना सेल्फ डिफेंस करके खुद का आसानी से यहाँ से बच के निकल सकते हो। दोस्तों कहीं पर भी जरूरत पड़ने पर आप भी सेम इसी तरह से अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो और आसानी से वहां से बच के निकल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।